आगे बढ़ते हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और निजी हॉस्पिटल के मालिक के कत्ल का ये मामला है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर फायरिंग के वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की निशानदेही कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी किन रास्तों से होती हुई मस्जिद के बाहर पहुंची, कैमरों की मदद से पता लगा लिया गया है और जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर बताएगा अभी तक क्या पेशरफ्त हुई। जी बिल्कुल, डॉक्टर शाह सदीक को गिस्ता रोज वलेंशिया टाउन में जो है वो कत्ल कर दिया गया था। चार नामालूम मुलजमान जो कि गाड़ी में आए, कत्ल करने के बाद जो है फरार हो गए थे। अब जो है वो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। मगरब के बाद उनका जो है वो जनाजा है। अब इस केस में जो पेशरफ ये सामने आई है अभी तक के गाड़ी को जो है वो पता लगाया गया है कि गाड़ी कहाँ से किन रस्तों से होती हुई मस्जिद के करीब पहुँची, उस हवाले से गाड़ी का मालिक कौन है, उस हवाले से रबता जो है वो एक्साइज से जो है वो पुलिस काम ने किया है। इस वाले से पुलिस ने जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया है। जो मदई है मुकदमे का उसका तफसीली बयान भी जो है वो मुकम्मल कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है। इसके अलावा जायब कुआ पर जो लोग मौजूद थे, जो निशाहिदीन मौजूद थे, उनका जो बयान है वो भी रिकॉर्ड कर लिया है। इस वाले से चार मुख्तलिफ टीमें ऑपरेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, सी आई की और आई टी की, वो इस केस की जो है वो तफ्तीश कर रही है। प्रॉपर्टी तनाजे समेत मुल्तान में एक जो है वो लेबॉरेटरी का तनाजा भी चल रहा था, उसको जो है तफ्तीश की जा रही है। इस वाले से जो डॉक्टर शाहिद जो सदीक का जो मुख्तलिफ थानों में जो दरख्वास्तें चल रही थी, एंटी करप्शन में जो केस चल रहे थे, उसको भी जो है पुलिस से कहना है कि तफ्तीश की जा रही है कि उस वो मुलजमान तो नहीं है जिन्होंने जो है वो डॉक्टर शाहिद सदीक को जो है वो कत्ल का निशाना बनाया था। हम इस वाले से तफ्तीश में पुलिस ने अब तक ये सराग लगाया कि जो मारने वाले थे वो शूटर थे, जिसमें जो है वो तीन गाड़ी के अंदर मौजूद रहे, एक जो है वो गाड़ी के बाहर जो है वो निकला और पिस्तौल से उसने जो है वो 13 फायर किए, पाँच जो फायर थे वो डॉक्टर शाह सदीक को लगे। तो इस वाले से पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश का अमल जारी है। अभी तक पुलिस जो है वो मुलजमान की जो है वो शनाख्त नहीं कर सकी है, गाड़ी की भी अभी शनाख्त नहीं हुई कि ये किसके नाम है। तो हम गाड़ी का जो है वो सुराग लगा लिया गया है कि ये जो गाड़ी है वाइट रंग की गाड़ी है, ये वकूवे में इस्तेमाल हुई है। इस वाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का अमल जारी है, कैमरे भी चेक किए जा रहे हैं, लेकिन कैमरे के हवाले से एक पेशरफ्त यह है कि एक कैमरा जो करीब लगा हुआ था वो खराब निकला है और अभी तक मजीद पेशरफ्त भी होना बाकी है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका।